हेलो गाइस। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरएफ के बारे में, रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में। सो लेट सपोज हमारे पास में यहाँ पे एक एपी है, इस पे एक वायरलेस एंटीना है, ये हमारा एपी हो गया एक्सेस पॉइंट, और एक हमारे पास में यहाँ पे पीसी है। जिस पे एक वायरलेस लैन कार्ड रहेगा, राइट। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये हमारी जो मशीन्स हैं अभी भी बिट्स को समझेंगी, राइट। जो भी डेटा होता है वो बिट्स में ही जाता है, आपका बिट्स ही समझती हैं हमारी मशीन्स, राइट। सो मान लेते हैं ये जो एपी है ना, एपी के पास में कुछ डेटा है बिट्स में, 01 01 01 बाइनरी कोड में। अब ये बिट्स ट्रांसमिट कैसे करेंगे? फिजिकल मीडिया तो है नहीं जो डिजिटल फॉर्म में हमारे ट्रांसमिट हो जाएंगे, राइट। ऐसा तो हमारे पास में है नहीं। तो इस एपी पे क्या रहेगा? एपी पे एक ट्रांसमीटर होता है, ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, इन बिट्स को एनालॉग सिग्नल में क्या करने वाला है, कन्वर्ट करने वाला है और सेंड कर देगा। और जो पीसी साइड है, पीसी साइड में एक रिसीवर रहेगा जो कि इन एनालॉग सिग्नल को रिसीव करेगा और वापस से ट्रांसलेट कर लेगा बिट्स में, 01 01 01 बाइनरी कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिट हो रहा है, एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिट हो रहा है, और इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया भी था, कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे दो टाइप की फ्रीक्वेंसी यूज होती है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। एक तो 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी रहती है और एक हमारी 5 GHz फ्रीक्वेंसी रहती है, राइट। सो इस फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए ना, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे वेव के बारे में। एक्चुअली इसको हम लोग वेव भी बोलते हैं, ये जो है ना इसको हम लोग वेव भी बोलते हैं। तो वेव के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। वेव क्या है? फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हम लोग वेव को डिस्कस कर लेते हैं, वेव क्या है। सो गाइज, अगर मैं वेव की बात करूं, वेव इज ए वाइब्रेशन, विच ट्रेवल विद और विदाउट मीडियम एंड इट कैरी एनर्जी, इट कैरी एनर्जी इन इट। तो वेव क्या है? वेव एक वाइब्रेशन है जो कि विद मीडियम या विदाउट मीडियम ट्रेवल करती है और ये अपने अंदर एक एनर्जी को कैरी करती है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, एक डायग्राम से समझ लेते हैं। सो ये हमारी वेव है, ये वेव ना दो चीजों से बन रही है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ये पॉजिटिव पार्ट है ऊपर वाला, और ये नीचे हमारा नेगेटिव पार्ट है नीचे वाला, ये यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट, ये नीचे वाला नेगेटिव पार्ट। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना पॉजिटिव पार्ट, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट है नीचे वाला इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी वेव क्या है। तो ये हमारी वेव है जो कि एनर्जी कैरी करती है, एक वाइब्रेशन है, ओके। और इसी में हमारे जो सिग्नल है ना वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ये हमारी वेव है, ओके। और इस वेव में हमारी एनर्जी ट्रेवल करती है, हमारे सिग्नल ट्रेवल करते हैं, ठीक है।
तो इसको ना वेव के हम लोग थोड़े कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर मैं वेव के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूं तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक तो वेव लेंथ के बारे में, वेव लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड के बारे में, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग वेव साइकिल क्या है, देन हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो ये इन चार करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव के। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेव लेंथ के बारे में। वेव लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं, वेव लेंथ क्या है। इट इज डिफरेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रॉफ। चलो इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये हमारी वेव थी, तो मैंने आपको बताया था ये हमारा क्रेस्ट हो गया और ये दो हमारे ट्रफ हो गए। ये दो ट्रफ एंड क्रेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो हमारे दो क्रेस्ट है इनके जो दो पीक पॉइंट है क्रेस्ट के, इन दोनों क्रेस्ट के दो पीक पॉइंट हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेवलेंथ। और इसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं, लेमडा का साइन है। ठीक है, तो ये हमारी वेवलेंथ हो गई, दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस, या फिर दो हमारे जो ट्रफ हैं, जो ट्रफ के दो पीक पॉइंट हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं वेवलेंथ। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी वेवलेंथ क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में, एम्पलीट्यूड क्या है। अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं एक सिनेरियो से, डायग्राम से। देखो एम्पलीट्यूड देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड क्या है। पीक ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ, जो क्रेस्ट और ट्रफ है आपका उसके पीक पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, ये जो पीक पॉइंट है इसका, एक क्रस्ट का, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, या फिर ये जो ट्रफ है, इस ट्रफ का जो ये पीक पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे वेव साइकिल के बारे में। वेव साइकिल, अगर मैं वेव साइकिल की बात करूँ, वेव साइकिल क्या है। वन क्रेस्ट एंड वन
ट्रफ फोम वन वेव साइकिल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ, इसके अंदर हमारा एक तो क्रेस्ट हो गया, एक ट्रफ हो गया, ये हमारा एक वेव साइकिल बनता है। ये हमारा क्या है, एक वेव साइकिल है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, अगर एक और एग्जांपल दूँ, इसमें हमारे दो वेव साइकिल हैं। एक वेव साइकिल तो हमारा ये हो गया, एक वेव साइकिल हो गया, और दूसरा वेव साइकिल ये हो गया, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, ये हमारा दूसरा वेव साइकिल हो गया। ओके, एक और एग्जांपल दूं मैं अगर आपको वेव साइकिल का, वन वेव साइकिल, टू वेव साइकिल एंड थ्री वेव साइकिल, ये तीन वेव साइकिल है इसमें। ये हमारा एक वेव साइकिल हो गया, ये हमारा सेकंड वेव साइकिल हो गया, और ये हमारा एक थर्ड वेव साइकिल हो गया। सो आई होप आपको वेव साइकिल क्लियर हो गया होगा, वेव साइकिल क्या है। तो यहाँ पे हमारा ये, तो हमारा इसमें यहाँ पे वन वेव साइकिल होता है, यहाँ पे हमारे टू वेव साइकिल होते हैं, और यहाँ पे हमारे थ्री वेव साइकिल होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव साइकिल कंप्लीटेड इन वन सेकेंड। इस फ्रीक्वेंसी, चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। तो इसमें कितने वेव साइकिल है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में ना कंप्लीट एक वन सेकेंड एक टाइम फ्रेम है। ये टाइम फ्रेम कितना है, वन सेकेंड का एक टाइम फ्रेम है। इस वन सेकेंड टाइम फ्रेम में नंबर ऑफ वेव साइकिल कितने कंप्लीट हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक आपका ये हो गया वेव साइकिल, और एक आपका वेव साइकिल ये हो गया। तो यहाँ पे आपके कितने वेव साइकिल गए हैं एक सेकेंड में, दो वेव साइकिल, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग मेजर करते हैं हर्ज में। ओके, सो यहाँ पे हमारे कितने हर्ज होते हैं, टू हर्ज, ये हमारी टू हर्ज फ्रीक्वेंसी है। मतलब एक सेकेंड में, मतलब एक सेकेंड में हमारे दो वेव साइकिल ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे टू हर्ज हो गया, टू हर्ज फ्रीक्वेंसी हो गई। एक और एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पे अगर आप देखो, ये हमारे पास में कंप्लीट एक वन सेकेंड टाइम फ्रेम है। इस वन सेकेंड टाइम फ्रेम में कितनी वेव साइकिल जा रहे हैं वो देख लेते हैं।
ये हमारा हो गया एक वेव साइकिल, ये हो गया हमारा सेकंड वेव साइकिल, और ये हो गया हमारा थर्ड वेव साइकिल। मतलब ये 1 सेकंड टाइम फ्रेम के अंदर, 1 सेकंड टाइम फ्रेम के अंदर हमारी कितनी वेव साइकिल ट्रेवल कर रही हैं? 3। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्ज़। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी, फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब नंबर ऑफ वेव साइकिल 1 सेकंड में कितने ट्रेवल कर रहे हैं, वही हमारी फ्रीक्वेंसी है। ओके और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, वो लाइक 2 हर्ट्ज़ 3 हर्ट्ज़ नहीं जाती है कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। सो ये हो सकते हैं जैसे 1 1 किलो हर्ज हो सकती है। 1 किलो हर्ज में कितने हर्ज रहेंगे? 1000, 1000 साइकिल जाते हैं हमारे पर सेकेंड। ओके और अगर मैं 1 मेगा हर्ज की बात करूं, 1 मेगा हर्ज में हमारे 1 मिलियन 10 लाख साइकिल ट्रेवल करते हैं 1 सेकंड में। पर सेकंड। और अगर मैं आपको बताऊं 1 गीगा हर्ज की बात करूं, तो 1 बिलियन 1 बिलियन साइकिल होते हैं पर सेकंड, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। और मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो हमारे सिग्नल ट्रेवल करते हैं वो फ्रीक्वेंसी में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 बताए थे आपको, या फिर हमारा 2.4 गीगा हर्ज यूज होता है, या फिर 5 गीगा हर्ज। सो 5 गीगा हर्ज में देखो कितनी कितनी आपके साइकिल ट्रेवल करेंगे, ये 5 बिलियन साइकिल ट्रेवल करेंगे 1 सेकंड में। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ओके एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, ये लेट्स सपोज ये हमारी फ्रीक्वेंसी जा रही है, वेव जा रही है, ये लेट्स सपोज 2.4 गीगाहर्ज़ है, ठीक है। ये हमारी 5 गीगाहर्ज़ है फ्रीक्वेंसी। ओके सो इनमें अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये देखो, ये जो डिफरेंस है ना 2.4 गीगाहर्ज़ में, ये जो हमारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ ज़्यादा है, और अगर मैं 5 गीगाहर्ज़ में बात करूँ तो वेवलेंथ कम है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती रहेगी, वैसे वैसे वेवलेंथ जो है वो कम होती रहेगी, ठीक है। और थ्रूपुट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली अगर यहां पे मैं देखूं कितने वेव साइकिल जा रहे हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ वेव साइकिल जा रहे हैं, यहां पे ज्यादा वेव साइकिल जा रहे हैं 1 सेकंड में, राइट, तो जो थ्रूपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। थ्रूपुट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, वेव लेंथ कम होती रहती है। ओके और फ्रीक्वेंसी हमारी कम होती रहेगी तो थ्रूपुट हमारा कम होता रहेगा, थ्रूपुट स्पीड, डेटा थ्रूपुट जो है वो लेस होगा। ओके और वेव लेंथ, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये वेवलेंथ यहां पे आप देख सकते हो, ये आपकी इंक्रीज हो रही है अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, क्लियर है ये चीज।
मतलब जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की मैं बात करूं तो यहां पे कवरेज आपको ज्यादा मिलेगा, यहां पे कवरेज क्या होगा, कवरेज मोर, कवरेज ज्यादा होगा, ये ज्यादा दूर तक जाएगी हमारी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, सिग्नल। अगर मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ की बात करूं, कवरेज हमारा क्या होगा, लेस, कवरेज क्या होगा, लेस, कम दूर तक जाएगी, बट थ्रूपुट ज्यादा मिलेगा, मतलब डेटा आपका ज्यादा जाएगा। क्लियर है? तो मैं अगर थोड़ा आपको डिफरेंस बताऊं यहां पे फिर से, जैसे अगर मैं बात करूं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में, अगर मैं बात करूं यहां पे आपका थ्रूपुट तो लेस होगा, आपका थ्रूपुट लेस होगा, मतलब स्पीड कम होगी आप बोल सकते हो, ठीक है, थ्रूपुट मतलब स्पीड, डेटा की स्पीड कम होगी। वेवलेंथ, वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब कवरेज ज्यादा होगा, कवरेज इज मोर, ज्यादा दूर तक जाएगी। यही अगर मैं बात करूं 5 गीगाहर्ट्ज़ की, थ्रूपुट ज्यादा होगा, मतलब स्पीड आपकी डेटा की ज्यादा रहेगी, थ्रूपुट मोर, ओके। वेवलेंथ, वेवलेंथ लेस, मतलब आपका कवरेज लेस होगा, मतलब कम दूरी तक डेटा जाएगा आपका। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यही है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव साइकिल आपके 1 सेकंड में कितने जा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें जो डेटा जो जा रहा होता है वो फ्रिक्वेंसी में जा रहा होता है। तो मैंने आपको बता ही दिया हमारा, जैसे कि 1 गीगाहर्ट्ज़ में अगर मैं बात करूं तो 1 बिलियन साइकिल जाते हैं, 1 बिलियन साइकिल ट्रेवल करते हैं पर सेकंड, ठीक है। सो आई होप गाइज ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी फ्रिक्वेंसी क्या है। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।